लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज आई सिक्स ए दैट इज कॉर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हमें एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है पॉइंटों के बीच का ए एंड बी इज फाइव यूनिट्स है ए पॉइंट दे रखा है हमें एक्स एंड माइनस वन और बी पॉइंट दे रखा है फाइव एंड थ्री वो कह रहा है हमें x की पॉसिबल सारी वैल्यूज़ निकालनी है जिसमें a और b के बीच का डिस्टेंस फाइव यूनिट है a के कोऑर्डिनेट दे रखें x एंड माइनस वन और b के कोऑर्डिनेट दे रखें फाइव एंड थ्री चलिए करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारे को a पॉइंट दे रखा है x एंड माइनस वन बी दे रखा है हमें पॉइंट फाइव एंड थ्री और ए बी हमें डिस्टेंस दे रखा है दोनों पॉइंट्स के बीच का दैट इज फाइव यूनिट्स राइट तो कैसे निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू हमें पता है एक्स वन क्या हो गया दैट इज एक्स वाई वन क्या हो गया माइनस वन इसी तरीके से एक्स टू क्या हो गया फाइव एंड वाई टू क्या हो गया थ्री अब हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था स्क्वायर रूट एक्स टू में से हम एक्स वन माइनस करते थे और उसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर राइट तो हमारा दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है फाइव यूनिट्स तो हमने फाइव लिख लिया एज एट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है दैट इज फाइव और x1 दे रखा है हमें x तो फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना दे रखा है दैट इज थ्री माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर राइट ये दे रखा है अब देखिए कैसे करेंगे फाइव इक्वल टू स्क्वायर रूट या तो आप यहीं पे ही स्क्वायर करके लिखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू विदाउट रूट वैल्यू लिख लीजिए या नीचे आके आप स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा कुछ भी कर सकते हैं आप देखिए ये क्या हुआ फाइव माइनस एक्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया राइट right? प्लस अब ये देखिए थ्री माइनस माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये आ गया थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऐसे तो नहीं हट सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड जब भी हमें रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो क्या आ गया फाइव का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इस पूरी वैल्यू का तो ये रूट ऑटोमेटिकली हट जाता है तो हम डायरेक्टली रूट के अंदर वाली वैल्यूज लिख लेंगे दैट इज़ फाइव स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फोर का स्क्वायर है सिक्सटीन राइट तो अब ये कितना आ गया ट्वेंटी फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव अगेन ट्वेंटी फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन राइट अब हम क्या करेंगे इस ट्वेंटी फाइव को इधर ले आएंगे राइट right? तो ये कितना आ गया जीरो इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस का ट्वेंटी फाइव जो लेफ्ट साइड से ये वाला माइनस का ट्वेंटी फाइव किया है राइट right? तो अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया आपस में तो क्या बच गया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो बज गया अब देखिए फैक्टराइजेशन होगा यहाँ पे कैसे क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गया तो हमारा फैक्टराइजेशन होगा इस 16 की मल्टीप्लिकेशन इस एक्स स्क्वायर में तो वो आ गया प्लस का सिक्सटीन एक्स स्क्वायर इसके दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके टेन एक्स आए तो ये क्या हो सकता है एट टू 16 तो एट एक्स और टू एक्स अब दोनों प्लस हो रहे हैं तो दोनों का साइन वो होगा जो यहाँ मिडिल टर्म का है दैट इज माइनस तो इसको क्या लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो अब पहली दो वैल्यूज में से एक्स कॉमन आया तो क्या बचा एक्स माइनस एट माइनस टू कॉमन निकला नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में से तो क्या बचा एक्स माइनस बाहर कॉमन था तो अंदर के साइन चेंज हो गए तो ये आ गया एक्स माइनस एट कॉमन निकला तो क्या बच गया एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो अब x माइनस एट को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई एट और x माइनस टू को ज़ीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई टू तो हमारी x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई एट एंड टू एट एंड टू ऐसी दो वैल्यूज आ गई कि आप उसको को, दोनों में से कोई सी भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइव यूनिट आएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज एट और टू मतलब इन दोनों में से आप एक्स की कोई सी भी वैल्यू रखिए तो आंसर हमारा जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो हमारा फाइव यूनिट आएगा आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज़ फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई वाई की वैल्यूज निकालनी है फॉर which द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स का वो टेन यूनिट्स आए हमें ऐसी वाई की वैल्यू निकालनी है हमारा ए कोऑर्डिनेट है टू एंड माइनस थ्री बी है टेन एंड वाई तो चलिए लिख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का हमारा ए पॉइंट दे रखा था हमें टू एंड माइनस थ्री और बी पॉइंट दे रखा था एंड बी पॉइंट इज टेन एंड वाई और हमें दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा था टेन यूनिट्स राइट तो अब हमें पता है एक्स वन होता है हमारा ए का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला एक्स टू होता है ये टेन तो हमारा वाई वन हुआ माइनस थ्री एक्स टू हुआ हमारा टेन और वाई टू हुआ हमारा वाई तो अब हमें पता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे ए बी के अब हम मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था या तो डायरेक्टली यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं या बाद में तो पहले मैं ए बी लिख देती हूँ आपको समझाने के तौर पे तो इसको क्या लिखा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया स्क्वांग बोथ साइड क्यों किया जिससे कि हमारा ये रूट हट जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये आएगा हमारा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो ए बी क्या दे रखा था हमें टेन तो टेन का होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू एक्स टू कितना है देखिए एक्स टू है टेन एक्स वन है टू तो टेन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना दे रखा है वाई टू दे रखा है वाई और वाई वन दे रखा है माइनस थ्री वाई माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर तो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ गया टेन का स्क्वायर इज हंड्रेड टेन में से टू गया इज एट एट का होल स्क्वायर प्लस वाई अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस थ्री तो प्लस थ्री का होल स्क्वायर अब ये कितना आ गया हंड्रेड इक्वल्स टू एट एट सिक्सटी फोर प्लस अब आप देखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी राइट तो ये आ गया जीरो इक्वल्स टू हम हंड्रेड को दूसरी साइड ले गए तो ये आया गया जीरो इक्वल्स टू सिक्सटी फोर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स वाई माइनस हंड्रेड आ गया माइनस का हो गया आप देखिए क्या लिख सकते हैं इसको वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई अब देखिए ये प्लस का है नाइन और सिक्सटी फोर प्लस का है और हंड्रेड माइनस का है तो देखिए हंड्रेड में से क्या माइनस हो जाएगा सिक्सटी फोर प्लस नाइन कितना हुआ हमारा ये हुआ हमारा सेवेंटी थ्री तो सेवेंटी थ्री माइनस हुआ तो कितना है टेन में से थ्री गया सेवन नाइन में से सेवन गया इस टू तो ये आ गया हमारा ट्वेंटी सेवन लेकिन माइनस का क्योंकि हंड्रेड हमारा माइनस का था इक्वल्स टू ज़ीरो अब हमें ट्वेंटी सेवन के ऐस की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करनी है तो ये आ गया हमारा माइनस का ट्वेंटी सेवन वाई स्क्वायर इसके दो ऐसे फैक्टर्स प्लस माइनस करके सिक्स वाई है तो देखिए नाइन थ्रीजा ट्वेंटी सेवन अब सब्ट्रैक्ट होना है तो ये वाली वैल्यू का वही साइन लगेगा जो बीच वाली वैल्यू का है दैट प्लस और ऑपोजिट साइन होंगे जब सब्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस नाइन वाई माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल्स टू जीरो तो y कॉमन आया फर्स्ट टू वैल्यूज में से तो बच्चा y प्लस नाइन इसी तरीके से माइनस थ्री कॉमन लिया तो y साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है तो आ गया वाई प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो तो वाई प्लस नाइन कॉमन लिया तो क्या बच गया वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो तो वाई की वैल्यू क्या आ गई वाई प्लस नाइन जीरो के इक्वल रखा तो वाई की वैल्यू आई माइनस नाइन इसी तरीके से वाई माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखा तो वाई की वैल्यू आई थ्री तो हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वाई इज़ माइनस नाइन और थ्री माइनस नाइन और थ्री रख सकते हैं जिसकी वजह से उसकी जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच का ए का जो डिस्टेंस है वो टेन यूनिट्स आएगा आंसर